रहे हैं हरियाणा न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ दिशा। आइए रुख करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री अनिल विज ने आम आदमी पार्टी की राजनीतिक खिंचाई करते हुए कहा कि भ्रष्टाचार में पांव से लेकर सिर तक डूबा हुआ आदमी जिसके ऊपर केस चल रहा है और जिस पार्टी के इतने मंत्री कई कई दिन जेल में रहकर आए हैं और अभी बेल पर हैं, वो दूसरों को भ्रष्टाचारी कहते हैं, ये कहीं डूब क्यों नहीं जाते। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी का दिया बुझ चुका है और बुझे हुए दिए से और दिए जलाए नहीं जा सकते। आम आदमी पार्टी की ओर से भाजपा पर भ्रष्टाचार, महंगाई और बेरोजगारी देने के संबंध में लगाए गए आरोपों और हरियाणा में विधानसभा चुनाव के बाद सरकार बनाने में आम आदमी पार्टी किंग मेकर होगी के बारे में पूछे गए मीडिया कर्मियों के सवालों का अनिल विज जवाब दे रहे थे। इस दौरान क्या कुछ कहा अनिल विज ने आप खुद ही सुन लीजिए। अंबाला से हमारे एडिटर इन चीफ राजेंद्र भारद्वाज की रिपोर्ट। बीजेपी ने आपको क्या दिया? केवल भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, महंगाई, इस बार पूरा हरियाणा जो है वो परिवर्तन की मांग कर रहा है। भ्रष्टाचार में पांव से लेकर सिर तक डूबा हुआ आदमी और पार्टी जिसके ऊपर केस चल रहा है, जिस पार्टी के इतने मंत्री कई दिन जेल में रहकर आए और अभी बेल पे हैं और दूसरों को भ्रष्टाचारी कहता है, ये कहीं डूब क्यों नहीं जाते? हरियाणा आप किंग मेकर होगी, इन्होंने ये भी कहा। ऐसा है, आम आदमी पार्टी का दिया बुझ चुका है और बुझे हुए दिए से और दिए जलाए नहीं जा सकते। ऋषभ कुमारी शैलजा जो है वो कांग्रेस से नाराज नजर आ रही है, कहीं भी चुनाव प्रचार में नजर नहीं आ रही, इसको आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, कांग्रेस पार्टी में महिलाओं का सम्मान नहीं किया और जिस प्रकार के बयान उन्होंने कुमारी शैलजा जी के बारे जाति का बयान दिए, उनको कोई भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। उससे सारे हरियाणा में कांग्रेस के प्रति रोष है। वे सब कांग्रेस सांसद हैं जयप्रकाश, दीपेंद्र हुड्डा की मौजूदगी में एक बुजुर्ग को लात मारता हुआ एक वीडियो सामने आया है, इसको आप कैसे देखते हैं? आप देखिए, कहीं पर कोई सांसद लात मार रहा है, कहीं पर कोई चुनाव लड़ रहा एमएलए कह रहा है कि नौकरियों का कोटा मिलेगा और मैं बांटूंगा तुम्हें, और कहीं पर कोई कह रहा है कि बिना भ्रष्टाचार के शासन चलाया नहीं जा सकता। तो ये कांग्रेस की तस्वीर है जो पिछले 10 साल जब इस कांग्रेस का राज रहा है, शरेआम लोगों ने वो पिक्चर देखी, वो डरावनी पिक्चर हरियाणा का बच्चे बच्चे के जहन में चल रहा है। जैसा तिरुपति मंदिर के प्रसाद में मिलावट का मामला सामने आया है, गांव की चर्बी जो है उसके मिलावट है, इसको आप कैसे देखते हैं, क्या कार्रवाई मांग? देखिए, संविधान में जितनी भी कड़ी से कड़ी सजाएं हैं और ऐसे लोगों पर कार्रवाई करने के लिए अगर कोई नई भी धारा बनाई पड़े तो बनानी चाहिए, इससे बड़ा अपराध नहीं है, इससे बड़ी जो क्राइम नहीं है। जब सिखों पर अभद्र टिप्पणी करने पर राहुल गांधी पर एक मामला चर्चा करने को, बात यह है कि ये सिखों के तो खिलाफ है ही, 1984 में सारे देश ने देखा जो इन्होंने कत्लेआम किया
सिखों का सारे देश में, और उस कत्लेआम को इन्होंने सही ठहराया। राजीव गांधी ने कहा था जब कोई बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है, कोई बात नहीं। तो इनका तो मानसिकता है, इनकी तो सोच है, ये तो खिलाफ है सिखों के। तो कालका के प्रत्याशी प्रदीप, कांग्रेस के प्रत्याशी प्रदीप चौधरी पर फायरिंग का मामला सामने आया, जिसमें भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा है कि कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ चुकी है बीजेपी। तुम कई कई आपराधिक मुकदमे जिनके ऊपर दर्ज है, कांग्रेस के प्रत्याशी अपने साथ लेकर घूमेंगे और सरकार पर कानून व्यवस्था का आरोप लगाएंगे। सब चुनावी किस तरह से हो रहा है चुनाव प्रचार, क्या कुछ कितनी ज्वाइनिंग वगैरह हो रही है सब कुछ? देखिए कोई दिन ऐसा नहीं जा रहा जिस दिन ज्वाइनिंग, और मेरा चुनाव जनता ने अपने हाथ में, मेरा चुनाव अब वर्कर लड़ रहे हैं और जनता लड़ रही है। जनता करती है कार्यकर्ता, और सवेरे 6 बजे उसके उन्हीं उम्मीदवारों को भागना पड़ता है जिन्होंने 5 साल कुछ नहीं किया, जिन्होंने लोगों के दुख दर्द में साथ दिए, जो सारा दिन खड़ा रहता है उसको भागना नहीं। हमारे फेसबुक पेज को लाइक, फॉलो और शेयर करें, साथ ही यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ताज़ा खबरों के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।